अरे वो मुस्लिम नहीं है, वो डुप्लीकेट है, उसको मुस्लिम लड़की बनाकर पेश किया। सच में वो मुस्लिम लड़की नहीं, एक मुस्लिम लड़की चली वहां से मुंबई से शबनम शेख, वो शबनम शेख नहीं है, वो पटनम शेख, वो डुप्लीकेट है। नाम रख दिया मुस्लिम शेख, ये शबनम शेख, ताकि इससे ये पता चले कि देखो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मुस्लिम लड़कियां आ रही है। उसका देखिए पूरा, उसका फेसबुक चेक कीजिए, इंस्टाग्राम चेक कीजिए, और भी उसकी हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चले जाएगा उस बच्चे का, उस लड़की का क्या जाता है। बहुत से मुनाफिक हैं, अभी कितने पकड़े गए, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय में कितने नौजवानों के ये वो दिया, थ्रेट दिया, धमकी दी कि हम फना तारीख को अयोध्या के अंदर में ये कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, फना कर देंगे, दिया गया, पकड़े गए तो कौन निकले, कोई लाल कृष्ण निकल रहा, कोई अनिल कुमार निकल रहा, कोई उदय सिंह निकल रहा। हम मुसलमानों को क्या लेना देना भाई, आप उद्घाटन करो, बनाओ, कुछ भी करो, आपका अकीदा आपका आस्था है, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे नौजवान ऐसा बोल ही नहीं सकते, दो दो कम से कम छह नौजवान गिरफ्तार हुए, उन्हीं में से है शबनम शेख, पयादा पैदल मुंबई से पूछे जरा कितने पैसे दिए गए तुम्हें ये नाम बदलने के, निकालिए उनका बायोडाटा, निकालिए उसकी हिस्ट्री, पता चल जाएगा। लाखों करोड़ों बच्चे और औरतें ऐसी हैं, गुरबत की जिंदगी गुजारते हैं, उनको लाख दो लाख दे दो तो ईमान अकीदा बदलने में टाइम नहीं जाता। आज ही मुंबई में जब सीएसटी रेलवे स्टेशन से उतरा, पिछले दो महीने से एक खातून मेरे पास मैसेज करती है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप कभी मुंबई आइए तो हमारी सिचुएशन देखिए। मैंने जब वेरीफाई करवाया तो यकीनन वो जरूरतमंद है। हम जब 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 मुंबई स्टेशन पे पहुंचे तो हमने उनको कहा कि आप स्टेशन पे आके हम वहां से मुंबई एयरपोर्ट निकलेंगे, आप मुलाकात कीजिए। तो मैंने जब जब उनसे मिल कर वहीं पर प्लेटफॉर्म पे हमने जब उनकी सारी सूरत हाल देखी तो हमने कहा कि आपकी ये सूरत हाल है, आपका कोई गार्जियन नहीं है, आपका जो भाई है, आपका जो आपकी जो बहन है, बड़ी बहन है, बड़े भाई है, वो कोई मदद उसको नहीं कर रहा है। तो ऐसी औरतें इनको हायर करने में, इनको पैसों से खरीदने में क्या जाता। तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमें ऑफर भी आया ऐसे मौके पर कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मुशर्रा औरत थी, यानी सर से पैर तक ढकी हुई लिबास में थी, 50-55-60 साल की, शायद 50 साल की उम्र की रही होगी। तो हम अपने काम में छोटे मोटे ताउन का काम करते वेलफेयर का, तो उनको किसी ने नंबर दिया होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी बॉडी के अंदर में 12,000 रुपए का ब्लड दिया गया, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं मर पर मौज कर अपनी जिंदगी गुजार पाऊं, मैं मकरूज हो गई हूं 35,000-36,000 रुपए पे, आप उस ताउन कर दीजिए या करवा दीजिए तो बड़ा भला होगा। दोनों ने ये भी बताया, हमने कहा कि वाह भाई वाह। उन्होंने जब बताया कि मौलाना ऐसे ऐसे ऑफर कि इसी मुशर्रा लिबास में आपको जाना है कहां, उत्तर प्रदेश, और आपको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। हमने कहा तो ले लेते, क्या दिक्कत था। बोला मौलाना लाख रुपए तो खत्म हो जाएगा, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा हुआ है, मैं भूखी और परेशानी में जरूर हूँ, मैं बर्तन मांगती हूँ, और मैं रात को आकर प्लेटफॉर्म पर वेटिंग हॉल में लेट जाती हूँ, अपनी जिंदगी मेरी गुजर जाती है, 5-10-15 साल की जिंदगी रही होगी। मैं अगर इस अखीर वक्त में 5-10 लाख रुपए लेकर अपने इस बुर्के को, मैं ये बुर्का नहीं बल्कि ये पूरे इस्लाम की जो पहचान है, औरतों की जो शान है, ये 5 लाख रुपए लेकर मैं इस बुर्के की अहमियत को बेच दूंगी, इस्लाम की इज्जत और इस्लाम की आप
इस्लाम की जो शियार है मैं उसको बेच दूंगी, इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं किया। मैंने उनको खैर जो भी हुआ मैंने उनको अपने जेब खास से उनको ताबून पेश की। हमने कहा कि बहन तुमको सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत के लिए आपने उनके पैसों में लात मारा है, आपने उनको ठोकर मारी है, अल्लाह जरूर तुम्हारे लिए रास्ता पैदा करेगा। मेरे भाई ऐसे भी औरतें सबनम शेख क्या ये तो पहरूपिया है, पूछिए तारीख देखे इनका डीएनए चेक कीजिए जाकर, इनके माँ बाप की तारीख इनकी भी बायोडाटा निकाल लिया है, कहाँ की अभी तहकीक की गई। वो लड़की कोई मुसलमान नहीं है, शेख शेख नहीं, सबनम शेख नहीं है। कोई अगर आदमी मुस्लिम नाम रखकर कोई जा सकता इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान नाम बदल करके या अगर कोई मुसलमान अपने सही नाम के साथ में अपने ईमान के साथ में अगर किसी मंदिर की तरफ जाता है या अगर वहाँ दिए जलाता है या जय श्री राम का नारा लगाता है सही अकीदे के साथ, तो उसी वक्त मेरा ये पैगाम पहुँचा देना वो मुसलमान नहीं है, वो मुशरिक है, मुसलमान ही नहीं। बहुत से मुसलमान वो नेताओं के जो कभी मस्जिद में नहीं गए, जिनको कभी टिकट तक नहीं मिला, अपने खुदा को खुश करने के लिए मस्जिद में कह रहे दिए जलाओ, अगर बत्ती बांटो बाप मरा होगा तो कभी अगरबत्ती नहीं जलाई होगी, माँ का इंतकाल हुआ होगा तो कभी मस्जिद में जाकर इमाम साहब से दुआ के लिए नहीं कहा होगा। अभी नाम मंदिर का उद्घाटन कर रहे तो भाई मस्जिद में क्या करो, मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाओ। जय श्री राम का ताल्लुक मजहब से है और हमारा मजहब इस्लाम है। हम कभी भी एक अल्लाह के अलावा किसी और का नाम अकीदतन नहीं ले सकते। जय श्री राम का मतलब राम की जय है। राम की तारीख में हिस्ट्रिकल जानकारी के तौर पर हम बात कर सकते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे वाकयात बहुत सारी बातें है बोल सकते, लेकिन इबादतन अकीदतन झुकना ये मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमानों का सर अल्लाह के सामने झुकता, मुसलमानों की इबादत अल्लाह के लिए होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह तेरी ही इबादत करते, तसय्यते भक्तिवान से श्यामा, ए परमात्मा हम तेरे सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाते हैं। और कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, सही से एक एक विरदय केवा एक वनस्मयो इचिबीडिया, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। उठाओ मर्यादा पुरुषोत्तम की उस वक्त की जिंदगी जब सीता मैया का अपहरण हुआ था, रावण ने जब छोड़ दिया था तो सीता मैया ने आकर श्री रामचंद्र जी के पैर को छूने लगी, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा सीता मेरे पैर को मत छुओ, मेरे सामने मत झुकाओ अपने आप को, सत्यवती राम रामाय नमः। राम के राम का जो खुदा है उसके सामने सर को झुकाओ, पता ये चलता है कि श्री रामचंद्र जी का खुदा और था, खुद श्री रामचंद्र जी खुदा नहीं थे। सलमान ये शबनम शेख हो कि पंचोली हो, अगर कोई अब्दुल रहमान नामी शख्स अगर अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए अगर वो चराग जलाएगा, थाली बजाएगा, ढोल बजाएगा, दिए जलाएगा, अगर उसका अकीदा है उसमें तो ईमान से निकल जाएगा, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से निकल जाएगा। इस्लाम किसी के पाप का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जब मन में आया तब घुस गए, जब मन में आया तब निकल गए, मुर्तद हो गए। या अय्युहल लजीन आमनु मन यर्तद मिनकुम अन दीनी, ऐसे वक्त में अपने ईमान का सौदा करने वाले इस्लाम सबसे बेहतर अकीदा दुनिया के किसी और मजहब में नहीं, लाकर पेश करो तो अल्लाह सारे सबसे पहले कबूल करेगा, नहीं कर सकते। क्यों? इस्लाम की सबसे बड़ी मजबूत
सबसे बड़ा दावा है कि अल्लाह एक है तो एक ही है। किसी भी मुसलमान से पूछो सबसे बड़ा और सबसे साफ और सबसे शफाफ अल्लाह एक है तो एक ही अल्लाह की इबादत है। 33 करोड़ देवी देवता की इबादत बिल्कुल नहीं की जाए, दो की नहीं की जाए, डेढ़ की नहीं की जाए। जमीन आसमान के बीच में दो प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क में नहीं रह सकता, तो इस जमीन आसमान के बीच में 33 करोड़ खुदा कैसे रह सकता। चंद खुदा अगर हो जाते तो जमीन पर फसाद पैदा होता। एक खुदा कहता कि हम बारिश करेंगे, दूसरा खुदा कहता है कि नहीं हम धूप निकालेंगे, तीसरा खुदा कहता है कि हम इसको जिताएंगे, चौथा खुदा कहता है कि हम इसको हराएंगे। खुदाओं में जंग हो जाए, खुदाओं में लड़ाई हो जाओ, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि नहीं, खुदा सिर्फ एक कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अगर कोई मुसलमान नेता दिए जलाता है जैसे इस्लाम का नारा लगाता है, तो मैं उसको इस स्टेज पर बैठकर कहता हूं कि अपने ईमान का की तस्दीद करा लेना किसी भी आलिम दीन के पास, क्योंकि तुम मुर्तद हो चुके हो, और जो मुर्तद होता है उसी हालत में अगर तुम मर गए दीन से तुम मुर्तद हो गए जय श्री राम कहकर, दीप जलाकर, घंटा बजाकर, कोरोना भगाने के लिए घंटा बजाया, घंटा से कोरोना भगा, घंटा से थाली से अगर कोरोना भागा तो वैक्सीन क्यों लगवाए। जो जो बोलता है मेंढक की तरह सब लोग डुक 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 करके कूदते, ये बजाओ ये नारा लगाओ हर मदरसे में हर मस्जिद में चरागाह हो ये हो, खबरदार कोई मुसलमान मस्जिद में चरागाह नहीं करेगा, कोई मुसलमान जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। क्यों? आपका धार्मिक मसला है, आप लगाइए, खूब लगाइए, आपको कौन मना कर रहा है। हमारा अकीदे का मसला, हम अल्लाहु अकबर का नारा लगाएं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का गुनगाएं, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, परमिशन देता है, मैं अर्तद मिनकुम अन दीनी फयमुत मुत मर जाता हूं उसी हालत में, वहुवा काफिरुन फयमुत वहुवा काफिरुन फौलाइक हबितत आमालुहु फिद दुनिया वल आखिरा, उसके सारे आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाते हैं। जो आदमी ईमान का सौदा कर लेता है, और बहुत से लोग जैसे भाई सबनम शेख, मान लीजिए अगर सबनम शेख मुस्लिम है, क्या मुस्लिम है? नहीं। जिस दिन जिस वक्त उसने इरादा किया कि मुझे जाना है वहां पर श्री रामचंद्र जी को खुदा मानकर अगर वो निकली है, तो फिर वो मुस्लिम नहीं है, वो मुशरिका है, वो काफिरा, काफिरा यानी एक ईश्वर को न मानने वाले, काफिरा इसलिए एक खुदा को न मानने वाले। मेरे भाइयों, वक्त भी चूंकि काफी हो चला है, एक मुकर्रर को और भी सुनना है, बहुत लंबा सफर करके मैं आपके बीच पहुंचा था, लेकिन मैं यही कहूंगा आप लोगों से, कल 22 तारीख है, अभी कुछ कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि कुछ नौजवान खामखा नारा लगा रहे हैं, खामखा नारा लगा रहे हैं, नहीं आप पुरसुकून नहीं। हमको कई लोगों ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप सफर कैंसिल कर दीजिए, आप आज जाइए 22 तारीख को, पता नहीं क्या क्या होगा। हमारी एलिया का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, उन्होंने अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लिया। हमने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या होगा। हमने कहा क्या होगा? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, कोई भी जुल्म तशद्दुद का हिस्सा मत बनो, कहीं पर कोई नारेबाजी नहीं, कहीं पर कोई दंगेबाजी नहीं, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह से अमन व अमान की दुआ मांगो, अपने मुल्क के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार रहे इस देश के अंदर, उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग सकते हैं। हमारे नौजवान कोई उग्र ना हो, कहीं पर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो फौरन पुलिस प्रशासन को खबर कीजिए कि इस तरह हो रहा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं पर भी कुछ नहीं होगा।
इसीलिए हमारे नौजवानों से खुसूसन मैं ये कहूंगा कि ऐसे नाजुक माहौल में हमें सब्र का, इत्मीनान का हमें मुजाहरा करना चाहिए और किसी भी जुल्म तशद्दुद का हिस्सा हम ना बने और ना किसी को बनने दें।